तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नो विद मी पर। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं या दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या दोस्तों ट्रेड करना चाहते हैं और दोस्तों या फिर IPO में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक डीमैट अकाउंट की। दोस्तों, आप एंजल वन में एक डीमैट अकाउंट बड़ी आसानी से ओपन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सबसे आसान तरीका एक डीमैट अकाउंट को बनाने का। दोस्तों, बस वीडियो को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है ताकि दोस्तों आप भी एंजल वन में एक अपना डीमैट अकाउंट बड़ी आसानी से ओपन कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। और जब आप इसको ओपन करेंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना है और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर प्रेस कर देना है। आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP कोड आएगा, आपको उस OTP कोड को यहाँ पर एंटर कर देना है। और इसी के साथ दोस्तों आपका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है। अब आपको यहाँ पर अपने नेम को एंटर करना है। दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको अपने रियल नेम को एंटर करना है जो नाम आपके डॉक्यूमेंट्स में हो। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देना है। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपने एक जीमेल अकाउंट को सिलेक्ट करना है। और इसके बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। आपको यहाँ पर अपने पैन कार्ड का जो नंबर है उस नंबर को एंटर कर देना है और आपको यहाँ सबमिट वाला जो ऑप्शन है इस पर प्रेस कर देना है। और इसके बाद दोस्तों आपको डीजी लॉकर पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और आपको यहाँ पर टिक करके यहाँ से अलाउ कर देना है। और यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का जो नंबर है उस नंबर को एंटर करना है और यहाँ पर आपको ये जो कैप्चा कोड है इस कोड को एंटर कर देना है। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देना है। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपने डिजी लॉकर की जो पिन है उस पिन को एंटर करना है। दोस्तों, अगर आपने अपना डिजी लॉकर नहीं बना रखा है तो दोस्तों यहीं से आप अपना जो डिजी लॉकर है वो भी बना सकते हो, लेकिन हमने अपना डिजी लॉकर बना रखा है इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम अपने डिजी लॉकर के पिन को एंटर करेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन में प्रेस कर देना है। और इसके बाद दोस्तों आपका जो डिजी लॉकर है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो वेरीफाई हो जाते हैं। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना है। इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर चार मेथड मिल जाएंगे। आप किसी भी मेथड को यूज करके अपने अकाउंट को यहाँ पर लिंक कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए बैंक डिटेल को यूज करूँगा। अगर दोस्तों आप भी अपने बैंक को लिंक करने के लिए बैंक डिटेल को यूज करना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट का जो नंबर है उसको एंटर करना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट का जो नंबर है उसको री एंटर करना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको IFSC कोड को एंटर करना है। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पर प्रेस कर देना है। और इसके बाद दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट है यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी सेल्फी को क्लिक करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर ओपन कैमरे वाला जो ऑप्शन है इस पर प्रेस करना है और यहाँ पर आपको अपनी सेल्फी को क्लिक करना है। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर प्रेस कर देना है। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं और सिग्नेचर करने के बाद आपको यहाँ पर उसको सबमिट कर देना है। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर प्रोसीड वाला जो ऑप्शन है इस पर प्रेस कर देना है। और इसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड करी जाएगी। दोस्तों आपको उस OTP कोड को यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रेस कर देना है।
और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी एनुअल इनकम को सिलेक्ट करना है कि आपकी एक साल में कितनी इनकम है, और यहाँ पर आपको प्रेस कर देना है। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपने वर्क को सिलेक्ट करना है कि आपका क्या वर्क है, आप प्राइवेट वर्क करते हैं या गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या कोई आपका बिजनेस है, जो भी आप करते हैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और इसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देना है। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपने फादर के नेम को एंटर करना है, और यहाँ पर दोस्तों आपको अपने जेंडर को सिलेक्ट करना है कि आप मेल हैं या फीमेल। और यहाँ पर दोस्तों आपको अपना मैरिज स्टेटस को सिलेक्ट करना है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर प्रेस कर देना है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा नॉमिनी का, आप चाहे तो इसको अभी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो इसको बाद में भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम इसको बाद में ऐड करेंगे। और इसके बाद दोस्तों आपकी जो केवाईसी है उसकी पूरी एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रेस कर देना है। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड का जो नंबर है उसको एंटर करना है। और आधार कार्ड के नंबर को एंटर करने के बाद यहाँ सेंड ओटीपी वाला जो ऑप्शन है इस पे प्रेस कर देना है, और आपको यहाँ पर उस ओटीपी को एंटर कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका एक डीमैट अकाउंट जो यहाँ पर हम ओपन कर रहे हैं उसका जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाता है। और दोस्तों आपका जो एक डीमैट अकाउंट है उसको एक्टिव होने में 3 दिन का समय लगता है। तो दोस्तों बस आपको यहाँ पर 3 दिन का इंतजार करना है, और दोस्तों उसके बाद आपका जो एक डीमैट अकाउंट है वो एक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी। और दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको जरा सी भी हेल्प मिली है तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक और नई वीडियो लेकर।